हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। तो गाइस यार, आज इस वीडियो में मैं आपको पटना के पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के बारे में अपडेट दिखाने वाला हूं, जिसे शॉर्ट में STPI भी बोला जाता है। वैसे गाइस, मैं आपको बता दूं कि पहले भी मैं इस पर कई सारा वीडियो बना चुका हूं और बीच में तो इसका काम भी रुक गया था, बट गाइस फाइनली इसे फिर से स्टार्ट कर दिया गया है और काम पहले से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। वैसे गाइस, लोकेशन की बात करूं तो अभी मैं अटल पथ राजीव नगर के पास हूं और यहां से आगे पाटलिपुत्रा कॉलोनी के साइट न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल हॉस्टल के ठीक बगल में इसे बनाया जा रहा है। तो गाइस चलिए सीधा चलते हैं लोकेशन पर और क्या कुछ वहां काम चल रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। तो गाइज, ये रहा सामने पटना का पहला STPI पार्क और उसके ठीक बगल में न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हॉस्टल। तो गाइज आइए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। सो गाइज, आप देख सकते हैं अभी मैं हूँ राजीव नगर वाले फ्लाईओवर पर और यहाँ ये रहा सामने बनाया जा रहा है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की बिल्डिंग, जिसे रिद्धि कंस्ट्रक्शन कंपनी बनवा रही है और यहाँ इसका काम भी आप पहले से काफ़ी तेजी में पूरा होता हुआ भी देख पा रहे होंगे। एक्चुअली यहाँ की पिछली एक दो वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था कि उस टाइम काम बिल्कुल रुका पड़ा था, कोई भी काम यहाँ पर नहीं हो रहा था, बट अब आप देख सकते हैं इसके इंटीरियर में काम काफ़ी तेजी से पूरा किया जा रहा है। बाकी इसके अलावा अगर बात करूं इसकी बिल्डिंग की तो G+6 फ्लोर का बनाया जा रहा है इसे, जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार भी हो चुका है, बस अब इसके फिनिशिंग का काम कंप्लीट किया जा रहा है। वैसे गाइस, इस सॉफ्टवेयर पार्क के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसे 1991 में इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था और इसका मेन मकसद हमारे देश के जो IT इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने का था। और इस STPI के बनने से देश में विकसित सॉफ्टवेयर और IT हार्डवेयर के प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आधारित स्टार्टअप को सपोर्ट मिलेगा। साथ ही देश के बड़े बड़े शहर जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और नोएडा के साथ ही साथ पटना का नाम भी चंद बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वाले शहरों में शुमार हो जाएगा। और गाइस आप देख सकते हैं ये रहा सामने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हॉस्टल और उसके ठीक बगल में तैयार किया जा रहा है ये STPI का बिल्डिंग, जो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और ये देश का 54वां और पटना का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, जो 8000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला हुआ है, जिसमें स्टार्टअप कंपनियों को हर तरह की सुविधा मिलने वाली है और वहीं बड़ी संख्या में जॉब के नए मौके भी क्रिएट होंगे। तो गाइस बस अब इसे जल्द से जल्द तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि बिहार से जुड़ी कई स्टार्टअप कंपनियां नेशनल लेवल पर बिजनेस भी ऑपरेट कर रही हैं। अगर पटना में उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। वैसे काम देखकर अब कहा जा सकता है कि ये बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। तो गाइज, ये था पटना में बनाए जा रहे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का अपडेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पटना की ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।